वेलकम टू माई चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ केमिकल्स, इम्पोर्टेंट केमिकल्स के बारे में बताया, उसी में ही हम नेक्स्ट केमिकल पढ़ेंगे, वॉटिंग सोडा। क्या होता है और इसकी प्रिपरेशन क्या है? वॉशिंग सोडा को हिंदी में कहते हैं धावन सोडा। धावन सोडा केमिकल फॉर्मूला जो है उसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सोडियम कार्बोनेट, उसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, क्रिस्टलीय वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स, 10 अणु होते हैं, वो होते हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, Na2CO3 10H2O, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। अब इसका प्रिपरेशन कैसा है वो हमको देखना है। इसकी प्रिपरेशन जो इसके प्रिपरेशन के लिए स्पेशली हम लोग 3 इंग्रेडिएंट्स या बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स लेते हैं, वो है हमारा सोडियम क्लोराइड और अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट। ये लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेंट प्रोसेस। तो सॉल्वेंट प्रोसेस के द्वारा हम वॉशिंग सोडा को बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, और किस किस से बनता है? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट का रॉ मटेरियल होता है। इसके हम रिएक्शन अभी देखेंगे, ठीक है। पहला जो रिएक्शन होगा वो है सोडियम क्लोराइड और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके बनाता है NH4Cl प्लस NaHCO3। अब ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमको कहाँ मिलता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया था, यही कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज यही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करता है। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमने पहले पढ़ा था, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, है ना। अब इसको सेकंड पॉइंट पे सेकंड क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको हम कुक हीट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसमें हीट होता है, और हीट करने पर क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O करने में निकल जा रहा है। थर्ड पॉइंट पे, थर्ड में क्या होगा? ये जो सोडियम कार्बोनेट हमको मिला है, इसका क्रिस्टलीकरण होता है। तो बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर दूसरा रिएक्शन क्या होगा कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता है और हमें प्राप्त होता है Na2CO3 10H2O। तो ये इसकी टोटल प्रिपरेशन हो गई है, जो कि वॉशिंग सोडा से हमको, मतलब वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन है पूरी। और किस प्रोसेस से मिली है? सॉल्वेंट प्रोसेस। सॉल्वेंट प्रोसेस में क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगी, और इसमें हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हीट होता है तो Na2CO3 मिलता है। अब ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो हमको मिल रहा है, जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसे हम सोडा एश भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सोडा एश भी कहते हैं, सोडा एश। और इसको एक और नाम हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो। और फिर हम इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऐड करेंगे या क्रिस्टलीकरण करते हैं, जैसे हमको मिला सोडियम कार्बोनेट, उसका क्रिस्टलीकरण होता है। क्रिस्टलीकरण होगा तो हमको क्या मिलेगा? वॉशिंग सोडा। अभी हम इसका यूजेस देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का क्या क्या यूज है। जैसे आपको पता ही है, वॉशिंग सोडा वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। तो सबसे मेन हम सीखते फॉर लॉन्ड्री प्रोसेस या लॉन्ड्री पर्पस हम इसको यूज करते हैं। इसमें सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में वॉशिंग सोडा का हम यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वाटर को सॉफ्ट करने के लिए या सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए हम यूज करते हैं, उसमें हम जर्म्स के किल करते हैं, इसलिए इसको हम सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग के लिए। तो ये इसका यूज है।
तीसरा पेपर और पेंट इंडस्ट्रीज में, पेपर एंड पेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और जो हमारा मैंने आपको बताया था कि जो सोडा एश है, सोडियम कार्बोनेट, ये बहुत सारे केमिकल्स बनाने में भी यूज होता है। इसमें फॉर एग्जांपल हमारा बोरेक्स है ना, वो भी बनाने के लिए इसमें यूज होता है। बोरेक्स जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में, जैसे टेस्ट में यूज होता है। बोरेक्स ब्रीड टेस्ट आपने नाम सुना होगा कि इसमें हम टेस्ट के लिए भी बोरेक्स का यूज करते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, सोडा एश, सोडियम कार्बोनेट, वो हमको चाहिए है। इसका बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, N2B4O7, ये बोरेक्स है। बोरेक्स को बनाने के लिए भी क्या कहते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो केमिकल है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस को हिंदी में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट ½H2O, कैल्शियम सल्फेट ½H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है। अब इसको कैसे बनाते हैं, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला। इसको बनाने के लिए हम लेते हैं जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, दो मॉलिक्यूल वाटर क्रिस्टलाइजेशन रहता है। इसको जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था केल्विन को किस तरह से हम डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो 273 केल्विन इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस 373 केल्विन मींस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम इसको हीट करते हैं। टेम्परेचर बहुत जरूरी है मेंटेन करना, क्योंकि इस टेम्परेचर के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनता है, फिर वो जिप्सम ही रहता है। इसीलिए 373 केल्विन पर ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, मिलता है हमको कैल्शियम सल्फेट ½H2O प्लस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर में यह वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये बहुत कड़क हार्ड सब्सटेंस मटेरियल बनाता है, और वो होता है जिप्सम। दैट मींस जिप्सम जो है, जब हम उसको हीट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जब कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो जिप्सम बना लेता है। और जिप्सम जो है वो हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड मटीरियल है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, बहुत ही व्हाइट सॉफ्ट पाउडर है। और ये वाटर में जब इसको हम, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब कर लेता है तो जिप्सम बनाता है, जो हार्ड है। इसीलिए हमको टेम्परेचर मेंटेन जरूर करना है। और एक और इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ये हमारा जो है, इसकी यूजेस जो है, इसी प्रॉपर्टी में एक यूज है कि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में जब आपके बोन फ्रैक्चर हो जाता है, उसको सेटिंग के लिए, उसको सेट करने के लिए हम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं, और उससे प्लास्टर करते हैं, है ना। जो प्लास्टर का जो मेन मटीरियल होता है वो यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे वो उसको पानी में वो करके फिर हम लोग पट्टी में उसको लगाते हैं, जहां पे आपका ब्रोकन बोन होता है वो ठीक हो जाता है, अपनी पोजीशन पे आता है। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। तो हम पहले इसकी यूजेस देखें कि यूजेस में हम लोग क्या करेंगे, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, है ना, जो मैंने आपको बताया, फॉर फ्रैक्चर्ड बोन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे कुछ स्कल्पचर्स या फ्लावर पॉट या बेस, ये सब जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनते हैं। तो फॉर डेकोरेटिव मटेरियल भी हम इसको यूज करते हैं, फॉर डेकोरेशन, फॉर डेकोरेटिव मटेरियल। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में जो वॉल्स है या जो दीवारें होती है वो पीओपी के द्वारा बनाया है। पीओपी क्या होता है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो पीओपी की डिजाइन होती है वॉल में या सीलिंग्स में, तो ये फॉर वॉल पीओपी, इसका भी यूज होता है फॉर वॉल पीओपी। अब जो लास्ट है वो है कि बड़े बड़े जो स्कल्पचर्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि डिजाइन करने के लिए या मूर्ति बनाने के लिए, है ना, उसके लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं, जो डेकोरेशन में ही आ जाता है। डेकोरेशन में आप छोटे टॉयज ये सब भी यूज बनाते हैं, तो फॉर टॉयज एंड फॉर क्या बोलते हैं, फॉर स्टैचूज, यस फॉर स्टैचूज, है ना।
स्टैचूज भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताया, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।